सिविलाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत सागर रोड पर ग्राम ढड़ारी के समीप बुधवार को एक दर्दनाक हादसे में हंसते खेलते परिवार की खुशियों ने दम तोड़ दिया। परिवार का इकलौता बेटा और दो बहनों का लाडला भाई जब स्कूल से अपनी साइकिल पर सवार होकर घर लौट रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी जान चली गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। जानकारी के मुताबिक सागर रोड पर ग्राम ढड़ारी के पास 14 वर्षीय विशाल रजक शासकीय माध्यमिक शाला ढड़ारी से छुट्टी के बाद शाम करीब 4:30 बजे साइकिल से अपने घर वापस जा रहा था। इसी दौरान सागर की ओर तेज रफ्तार में जा रहे ट्रक ने उसे टक्कर मारते हुए रौंद दिया। दुर्घटना में विशाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जब ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने घटना स्थल पर सड़क जाम कर दी। खबर मिलते ही सीएसपी लोकेंद्र सिंह, तहसीलदार, सिविल लाइन थाना प्रभारी और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मांग थी कि पुलिस द्वारा पकड़े गए ट्रक को पीड़ित परिवार के घर पर रखवाया जाए। बाद में विधायक पुत्र मिक्की चतुर्वेदी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने उनसे कहा कि हादसे ने एक परिवार की खुशियां तबाह कर दी हैं। यदि पुलिस इस ट्रक को अपने साथ ले गई तो इस परिवार से कभी दोबारा बात नहीं की जाएगी। परिवार को उचित मुआवजा मिले, इसके लिए ट्रक को सुरक्षित स्थान पर रखवाया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बाद में मिक्की चतुर्वेदी की समझाइश पर ग्रामीणों की निगरानी में ट्रक को सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया। सीएसपी ने ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर ग्रामीणों ने जाम खोला। हादसे के बाद बच्चे के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। माँ अब भी यह नहीं समझ पा रही है कि 14 साल से वो जिस बच्चे को पाल रही थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। बच्चे के पिता प्रेमचंद रजक एक मजदूर हैं। उनका बेटा 7वीं कक्षा में पढ़ता था। रोज की तरह वो अपनी साइकिल से घर लौट रहा था, तभी ये हादसा घटित हुआ। 6वीं क्लास में पढ़ा तो गवा पुत्र 6वीं क्लास में पढ़ा तो ट्रक वाले ने भरी टक्कर चढ़ा के फंसो चलो लड़का साइकिल से। दर्दनाक मौत हो गई रे लड़का की। ट्रक वालो रोड छोड़ के दे भागो, गाड़ी रखी है यहीं पे। वो स्कूल से घर आ रहा था। कैसी दुर्घटना हो गई, क्या हो गया? ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। स्कूल किस तरफ है? स्कूल गांव में है। ये कहां जा रहा था? स्कूल दोनों तरफ है, रोड के साइड भी स्कूल है और रोड के साइड भी स्कूल है। और जब स्कूल की छुट्टी होती है उस टाइम पे यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस लगो चाहिए। जाम क्यों लगाया गया आप लोगों के द्वारा? यहाँ जाम लगा दिया, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है तो गांव के सब बच्चे खड़े हो गए हैं। वो ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर भाग गया इसी चक्कर में। हाँ, जहाँ जाम लगा है उसको पकड़ो, उसको स्कूल को, उसको ड्राइवर को भी पकड़ो। और यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए स्कूल के टाइम पे, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस लगो चाहिए।